मैं आप लोगों को हिंदू लॉ का यूनिट सेकंड पढ़ा रहा हूँ। यूनिट सेकंड में हिंदू लॉ, हिंदू क्या भरण पोषण चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा था। तो मेंटेनेंस में मैं आप लोगों को दत्तक, पहले दत्तक पढ़ा चुका हूँ, अब मुझे पढ़ाना है मेंटेनेंस, ठीक है। आश्रित का मेंटेनेंस क्या नाम है, डिपेंडेंस ऑफ मेंटेनेंस, मतलब आश्रितों का भरण पोषण कब और कैसे किया जाएगा ये बताना है। तो हमें मेनली ये तीन सेक्शन पढ़ने हैं, कितने सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन 21 पढ़ना है, सेक्शन 22 पढ़ना है, सेक्शन 23 पढ़ना है और सेक्शन 28 पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन 28 पढ़ना है, मतलब मेन चार सेक्शन पढ़ना है। इसलिए हमें आश्रितों के मेंटेनेंस पे, आश्रितों के भरण पोषण पे चार सेक्शन पढ़ने हैं, मेन सेक्शन। इसमें हिंदू भरण पोषण एवं हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 हम पढ़ रहे हैं। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, दत्तक तो पढ़ लिया हमने, भरण पोषण में किसका भरण पोषण करना है ये आपके सिलेबस में है, आश्रित, ठीक है, डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट है उनको, उनका भरण पोषण कब और कैसे किया जाएगा इस पे आपको ये पढ़ाना है, ठीक है। ठीक, तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ सेक्शन 21 बताना है क्या है, आश्रितों की परिभाषा। आश्रितों की परिभाषा, आश्रित मतलब जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जिसके बच्चे हो, पति पत्नी माता पिता, ठीक है, अवयस्क पुत्र पुत्री जो भी हैं, जो उनके भरोसे हैं, जो जीवित हैं उनका खर्चा उठाते हैं, ठीक है, उनकी संपत्ति से कब उन पे भरण पोषण किया जाएगा ये बताता है, ठीक। आश्रितों की परिभाषा, हालांकि 1956 जो एक्ट बनाता है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के पूर्व या 1956 के बाद कहीं भी आश्रितों की एग्जैक्ट परिभाषा नहीं दी गई है। उसके पहले तो आश्रित होते ही, आश्रित कहीं का उपयोग ही नहीं होता, 1956 के एक्ट के पहले आश्रित को कहीं परिभाषित ही नहीं किया, आश्रित शब्द का उपयोग ही नहीं होता था। लेकिन 1956 के एक्ट के बाद आश्रित की परिभाषा, लेकिन आश्रित की एग्जैक्ट परिभाषा, आश्रित क्या, यहाँ ये बताया गया है कि आश्रित कौन है, कौन कौन लोग हैं, परिभाषा जो होती है उस हिसाब से परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन ये बताया गया कि आश्रित की परिभाषा तो आज रख दिया गया, लेकिन कौन कौन आश्रित में आएगी ये दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 21 में आश्रित कौन कौन है वो आएगा कि सेक्शन 21 में कौन कौन से आश्रित हैं। तो सेक्शन 21 में आश्रितों को बताया गया है। तो आश्रित कौन होंगे मैं ये आपको ये बता रहा हूं, यदि जो व्यक्ति जीवित है, यदि वो मर जाता है, ठीक, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो उसकी संपत्ति है उससे, या जो उसने कमा के रखा है, या जो भी संपत्ति है उसका, उससे कैसे इस भरण पोषण कैसे इन बच्चों का, या कैसे इनके माता पिता का, इनकी पत्नी का, इनके आश्रितों का जो इनसे रिलेटेड है, उनसे उनका भरण पोषण कैसे किया जाएगा, ठीक है, इनकी संपत्ति से कितना कितना किया जाएगा और कौन कौन है। देखिए सेक्शन 21 में कौन कौन है, तो 14 तरह के आश्रितों को सेक्शन 21 में बताया गया है, 14 तरह के लोगों को कि आश्रित कौन कौन है ये इनको इनमें बताया गया है, ठीक है। पहला कौन है, पहला है पिता, पहला कौन है, 14 में से पहला है पिता, दूसरा माता, तीसरा विधवा, विधवा में विदुर नहीं आएगा, विदुर नहीं आएगा,
विधवा में विदुर नहीं आता। विधवा विदुर वो व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी मर चुकी हो, ठीक है, जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसे विदुर कहते हैं, ठीक है। विदुर में विधवा में विदुर नहीं आता, ठीक। पहला कौन है? पिता है। दूसरा कौन? आश्रित। आश्रित कौन कौन है? पिता है, माता है, विधवा है, ठीक है। चौथा कौन है? चौथा अवयस्क पुत्र। अवयस्क पुत्र, ठीक है। सॉरी, पहला है पिता, दूसरा है माता, तीसरा है विधवा, चौथा है अवयस्क पुत्र। पांचवा पे आता है पूर्व पुत्र का अवयस्क पुत्र, पूर्व मृत पुत्र का अवयस्क पुत्र, पूर्व मृत पुत्र का अवयस्क पुत्र। पांचवा आता है पूर्व मृत पुत्र का अवयस्क पुत्र। छठवा है अवयस्क प्रपौत्र। अवयस्क प्रपौत्र। अवयस्क प्रपौत्र, अवयस्क प्रपौत्र कौन होता है? अवयस्क जिसके पिता और दादा मर चुके हैं, जैसे कि जिसके पिता और दादा दोनों लोग मर चुके हैं, उसे उस अवयस्क प्रपौत्र को आश्रित के श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। सातवां अविवाहित स्त्री। अविवाहित पुत्री जिसका विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित पुत्री, ठीक है। आठवां है पूर्व मृत पुत्र की अविवाहित पुत्री। पूर्व मृत, पूर्व मृत पुत्र की, पूर्व मृत पुत्र की अविवाहित पुत्री, मतलब पूर्व मृत पुत्र की अविवाहित पुत्री। यदि कोई व्यक्ति है जिसकी जिसका पुत्र मर गया है और उसकी कोई अविवाहित पुत्री है तो उस वो भी आश्रितों की श्रेणी में आएगी। नौवां पूर्व मृत पुत्र की अविवाहित पुत्री। पूर्व मृत पुत्री की अविवाहित पुत्री, ठीक है। पूर्व मृत पुत्री की अविवाहित पुत्री, ठीक है। पूर्व मृत पुत्र की अविवाहित पुत्री, अविवाहित पुत्री। नौवां हो गया पूर्व मृत पुत्री की अविवाहित पुत्री। नौवां दसवां क्या है? विधवा पुत्री। विधवा पुत्री ग्यारह पुत्र की विधवा। पुत्र की विधवा, विधवा पुत्री, पुत्र की विधवा। पुत्र की विधवा तब तक, पुत्र की विधवा तब तक
से विवाह नहीं किया है तब तक वो आश्रितों की श्रेणी में आएगी। यदि उसने विवाह कर लिया है तो वो आश्रितों की श्रेणी में नहीं आएगी, तब वो आश्रित की श्रेणी में नहीं आएगी। 12 पौत्र की विधवा, पौत्र की यदि कोई विधवा है वो भी आश्रितों की श्रेणी में आएगी। लेकिन यदि इसने पुनर्विवाह कर लिया, मतलब दूसरा विवाह कर लिया, तो वे आश्रितों की श्रेणी में नहीं आएगी और उसके जो भरण पोषण का खर्चा है वो नहीं दिया जाएगा। इन दो कंडीशनों में यदि इसने पुनर्विवाह कर लिया है दोनों में, तो उनको आश्रितों की श्रेणी से हटा के उनका भरण पोषण का खर्चा ना देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ना देना भी उचित होगा। ठीक है, यदि भरण पोषण शादी पुनर्विवाह कर लेती है, दूसरी शादी कर लेती हैं, तो उन्हें भरण पोषण मिलना कोई जरूरी नहीं है, भरण पोषण का वो अपना अधिकार खो देती है शादी करने से तुरंत बाद। ठीक है, 13 क्या होगा, 13 अवैध अवयस्क पुत्र ऐसा पुत्र जो अवैध है, अवैध अवयस्क पुत्र अवैध है और वो अवयस्क है, वो भी आश्रितों की श्रेणी में आता है। आप अवैध कहेंगे कि अवैध अवयस्क पुत्र क्यों, क्योंकि भाई शादी तो वैलिड होती ही है, लेकिन जो इससे बच्चे पैदा हो जाते हैं अवैध, तो वो वैध माने जाते हैं, वो संपत्ति में अपना अधिकार रखते हैं। ठीक है, अवैध अवयस्क विवाहित पुत्री ऐसी पुत्री जो अवैध और है अवयस्क भी है, वो ऐसी पुत्री भी भरण पोषण पाने की अधिकारी होगी और वो आश्रितों की श्रेणी में आती है। और ऐसे व्यक्ति मृतक के संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार रखते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विरासत में या उत्तराधिकार में कोई संपत्ति छोड़ जाता है और जो उनके आश्रित हैं उसी संपत्ति पर आश्रित हैं, तो वो लोग उस संपत्ति से अपना भरण पोषण कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग अपना भरण पोषण कर सकते हैं। अब मैं अवयस्क की मैंने बताया कि आश्रितों की कोई परिभाषा एग्जैक्ट दी नहीं गई है, लेकिन कौन कौन आश्रित है ये बताया गया है किसमें, सेक्शन 21 हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 21 में आश्रित कौन कौन है उन्हें बताया गया है। ठीक है, आप लोगों को मैंने वो बताया। अब सेक्शन 22 क्या कहती है, आश्रितों का भरण पोषण, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट। मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस, ठीक है, आश्रितों का भरण पोषण, आश्रितों का किसमें बताया गया है, सेक्शन 22 में। अब आश्रितों का भरण पोषण कैसे होना है ये बताया गया। धारा 22 के उपबंधों के अध्याधीन यह है कि उसके अंतर्गत यह प्रक्रिया है कि मृत हिंदू के वारिस मृतक के विरासत से प्राप्त संपदा में
मृतक के आश्रितों का भरण पोषण करने के लिए दायित्वाधीन होगा। मृतक की संपत्ति से, ठीक है, संपदा या संपत्ति से जो विरासत में उसे मिली है, उससे आश्रितों के भरण पोषण की उस संपत्ति से आश्रितों की भरण पोषण किया जाएगा। और आश्रित मैंने बताया हम लोगों को सेक्शन 21 में कि आश्रित कौन कौन है और किन कंडीशन में इनका भरण पोषण किया जाएगा। अब सेक्शन 22 सेक्शन 23 है, क्या है सेक्शन 23 है, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, भरण पोषण की राशि। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, भरण पोषण की धनराशि। भरण पोषण की अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, भरण पोषण की धनराशि, ये सेक्शन 23 बता रही है कि भरण पोषण की धनराशि क्या होगी। ठीक है, धारा 23 भरण पोषण प्रदान करने के विषय में न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान करती है। ठीक है, धारा 23 किसको प्रदान करेगी, न्यायालय को, कि न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान करती है कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ भरण पोषण दिया जाए या नहीं दिया जाए। ठीक है, न्यायालय को यह विवेकाधिकार, इस हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 23 में ये न्यायालय को अधिकार देती है कि भरण पोषण दिया जाए या नहीं दिया जाए। ठीक है, वो चीजें न्यायालय के विवेक पर है। ठीक है, न्यायालय को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए, भरण पोषण का आदेश देते समय न्यायालय को निम्नलिखित बातों का ध्यान उसे देना चाहिए कि धनराशि कितनी दे या क्या दे या नहीं दे या दे। ठीक है, न्यायालय के विवेक का अधिकार है, लेकिन न्यायालय को ये निम्नलिखित बातें ध्यान देना चाहिए कि वायसनेस न हो, ये चीजें करने पर वायसनेस नहीं होंगी, इन चीजों से रोक लगाई गई है और इस चीज को ध्यान में रखना है न्यायालय को। ठीक है, इसके इतर नहीं जा सकता न्यायालय। ठीक, पहला क्या है, पक्षकारों की स्थिति और हैसियत। पहला न्यायालय को ये ध्यान देना है कि पक्षकारों की हैसियत कितना है और स्थिति क्या है, उस हिसाब से आश्रितों को भरण पोषण देने का आदेश दिया जाए या ना दिया जाए, ये न्यायालय डिसाइड करेगा केस टू केस। ठीक, दूसरा क्या है, दावेदारों की युक्तियुक्त आवश्यकताएं, दावेदारी जिसने की है भरण पोषण की, जिसने मांग की है, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या उस योग्य है कि उसे भरण पोषण कराया जाए या भरण पोषण दिया जाए। ठीक है, ये चीज न्यायालय को ध्यान में रखना है। तीसरा क्या है, यदि दावेदार अलग रह रहा है तो क्या उसका ऐसा करना न्यायोचित है, यदि दावेदार जो भरण पोषण है का दावेदार है, यदि वो अलग रह रहा है, दूर रह रहा है, तो क्या न्यायालय को इसमें भरण पोषण देने का अधिकार है या उसे दिलाने का उचित अधिकार है उसको, ये चीजें न्यायालय देखेगी। चौथा क्या है, दावेदार की संपत्ति का मूल्य और उस संपत्ति से प्राप्त आय या दावेदार की स्वयं की आय तथा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त आय कितनी है। ठीक है, दावेदार की आय क्या है, दावेदार यदि संपन्न है, दावेदार को आवश्यकता नहीं है भरण पोषण की, तो वो न्यायालय उसे भरण पोषण के लिए नहीं दे सकता, भरण पोषण का आदेश उसके खिलाफ नहीं दे सकता, उसके पक्ष में नहीं दे सकता। ठीक है, पांचवा क्या है, पांचवा ये है कि अधिनियम जो है कि अंतर्गत भरण पोषण के अधिकारी व्यक्ति की संख्या, यदि भरण पोषण का मतलब जो मृत व्यक्ति है उसके भरण पोषण की लिस्ट ज्यादा है तो कौन कितना किसको कैसे कैसे मिलेगा, ये चीजें न्यायालय डिसाइड करेगी। इन सब चीजों पर न्यायालय का दृष्टिकोण होना चाहिए, न्यायालय इन सब चीजों को देखेगा तब जाके भरण पोषण का ये वो देगा।
अधिकार देगा, ठीक है। 28 सेक्शन 28 ये हो गया, सेक्शन 23 था, अब सेक्शन 28 है। सेक्शन 28 सेक्शन 28 है। अब सेक्शन 28 क्या कहता है ये आप लोग जानिए। मैं आप लोगों को बताया हूं भरण पोषण कब होगा कैसे होगा, ठीक है। अब सेक्शन 28 क्या है, सेक्शन 28 क्या है, भरण पोषण के अधिकार पर संपत्ति का अंतरण। भरण पोषण के अधिकार पर, भरण पोषण के अधिकार पर, भरण पोषण के अधिकार पर संपत्ति अंतरण का प्रभाव। भरण पोषण के अधिकार पर संपत्ति अंतरण का प्रभाव सेक्शन कितना कहते हैं, सेक्शन 28 कहती है कि संपत्ति अंतरण जो भरण पोषण का, जब भरण पोषण के अधिकार है तो उसमें संपत्ति के अंतरण का क्या प्रभाव पड़ेगा ये सेक्शन 28 बताती है। सेक्शन 28 के अनुसार, ठीक है, यदि आश्रितों की किसी संपदा में, यदि आश्रितों की किसी संपदा में से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है तथा ऐसी संपदा का या उसका कोई अंश अंतरित किया जाता है तो निम्नलिखित दशाओं में अंतरिति से भरण पोषण के अधिकार का दावा किया जा सकता है। यदि निम्नलिखित अवस्थाएं हैं जिसमें अंतरिति से भरण पोषण का अधिकार का अंतरण किया जा सकता है, ठीक है, दावा किया जा सकता है, अंतरण का दावा किया जा सकता है, वो कौन कौन से हैं यदि, ठीक है, ऐसा है तो कौन कौन से हैं। पहला, अंतरिति को उस संपत्ति से उसके भरण पोषण के अधिकार की जानकारी है। अंतरिति को जो संपत्ति प्राप्त हुई है उसके से भरण पोषण किए जाने का ज्ञान है उसे, तब वो दावा करेगा। दूसरा क्या है, यदि अंतरण निष्फल निष्प्रतिफल है, यदि अंतरण निष्प्रतिफल है मतलब बिना प्रतिफल के, बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है, बिना प्रतिफल के किया गया है अंतरण, ठीक है, तो क्या होगा, तो यदि किसी व्यक्ति ने दान में उत्तराधिकार प्राप्त किया है, किसी संपत्ति पर, तो यदि उस संपत्ति से जितने का भरण पोषण होता है वो जो दान में दी गई संपत्ति है, जो दान प्राप्त किया है, वो व्यक्ति क्या करेगा, उसका उस संपत्ति से भरण पोषण करेगा, चाहे उसे ज्ञान हो या ना हो, ठीक है। वो संपत्ति दान में पाता है तो जितने उसके आश्रित है जिससे उस संपत्ति का भरण पोषण हो रहा है, और उस व्यक्ति जो दान पाता है उसे ज्ञान है या नहीं है इसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे उन आश्रितों को क्या करना पड़ेगा, भरण पोषण देना पड़ेगा, उनको भरण पोषण देना ही होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, जो व्यक्ति, ठीक है, आश्रितों के भरण पोषण के अधिकार का ज्ञान रखते हुए, ठीक है, संपत्ति क्रय करता है, वह उस संपत्ति, उस अंतरित संपत्ति से आश्रितों के भरण पोषण हेतु बाध्य है। मतलब यदि कोई व्यक्ति कोई संपत्ति क्रय करता है और उसे पता है कि इन आश्रितों का इस संपत्ति से क्या होता है, भरण पोषण होता है, और वह जानते हुए भी उस संपत्ति को क्रय करता है, तो उसके ऊपर दायित्व उन व्यक्तियों को भरण पोषण करने का चला जाएगा। मैं ऐसे ही नहीं ये कह रहा, ये केस के माध्यम से बताया गया है। कौन सा केस था, कांगल बनाम श्रीमती अलवरिया एआईआर 2002 इलाहाबाद, इसमें ये बात कही गई थी कि यदि कोई व्यक्ति कांगल बनाम श्रीमती अलवरिया एआईआर 2002 इलाहाबाद का केस है, इसमें क्या कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति जानते हुए कि उस जो संपत्ति वो खरीद रहा है या क्रय कर रहा है, यदि उस पर कोई आश्रित जिसका भरण उस संपत्ति से भरण पोषण हो रहा है और यदि वह जानते हुए भी उस संपत्ति को क्रय करता है, तो वो संपत्ति क्या होगी,
वो व्यक्ति उस उन व्यक्तियों का भरण पोषण करेगा, उस संपत्ति से उन व्यक्तियों का भरण पोषण देगा, ये इस केस के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, और एक कंडीशन है, जो व्यक्ति मूल्य देकर सद्भाव से और संपदा पर भरण पोषण के दायित्व को जाने बिना संपदा खरीदता है, केवल वह ही भरण पोषण के दायित्व से बच सकता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सद्भाव पूर्वक खरीदता है और उसे पता नहीं है कि ये संपत्ति पर आश्रितों का भरण पोषण होता है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति इससे बच जाएगा, आश्रितों का भरण पोषण नहीं करेगा। नेक्स्ट यूनिट मैं कल वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।